हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी है नवंबर मंथ का लास्ट वीक और थोड़ा थोड़ा सा ठंडा का सीज़न भी आ चुका है। ठंडा भी लग रहा है सुबह सुबह। तो अभी मैं एक अच्छा वाला ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई। ये है ट्रेडिशनल बंगाली ब्रेकफास्ट। इसमें है लूची, शिमुएर पायश और आलू चौचुरी। और मैं यहाँ पे रेडी होके निकल गई हूँ मेला घूमने के लिए। ओ माय गॉड, मेरे बेटे ने मुझे भाव नहीं दिया। एटीट्यूड। अभी मैं क्रॉस कर रही हूँ कोलकाता का शान दी ITC रॉयल होटल और मैं अभी माँ फ्लाईओवर पे हूँ। मैं आज जा रही हूँ इको पार्क, जो कि राजारहाट में है, मतलब न्यू कोलकाता। और वहाँ पे हस्तशिल्पो मेला चल रहा है, मतलब मेला पता ही होगा जिसका नाम है हस्तशिल्पो, जो क्राफ्ट का मेला होता है, जो वेस्ट बंगाल का हैंडक्राफ्ट होता है ना, उसके ऊपर आज मेला है। तो मैं लास्ट ईयर भी गई थी, बहुत अच्छा होता है यहाँ का मेला। तो आज वहाँ पे मैं जा रही हूँ इको पार्क, गेट नंबर 1 के पास ये मेला भी चल रहा है। चलो वहाँ पे जाके अभी मिलते हैं। पार्किंग करने के बाद आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा मेले के लिए। यहाँ पे 25th of November से ये मेला स्टार्ट है 18th of December तक, जिसका टाइमिंग है सुबह 1 बजे से और रात को 8:30 बजे तक। ये मेला आने के बाद आपको वेस्ट बंगाल का आर्ट, जो कल्चर, ये सब आपको फूट फूट के नज़र आएगा। ये लोग यहाँ पे खुद बनाते हैं और ये लोग बेचते हैं। ये जो दुपट्टा है या फिर कुर्ता जो देखे, वो सब आप लोगों का 350-400 से प्राइस स्टार्ट है। और ये ट्रे, जग, ये सब 300-400-500, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये कितना प्राइस इन लोगों का होगा। फिर भी मैं एक अप्रॉक्स बताती हूँ, ये आप लोग पकड़ के चलिए कि 250 से ही स्टार्टिंग है। और हाँ, यहाँ का एंट्री ना बिल्कुल फ्री है। आज मैं एकदम 1 बजे आ गई हूँ, इसलिए अभी मेला पूरा लगा नहीं है, सब दुकान लगा रहे हैं। और मैं यहाँ पे मेरे बेटे का पैलम्बुलेटर भी लेके आ गई, क्योंकि बहुत बड़ा मेला है, घूमने में ना हालत ख़राब हो जाएगा। ये जो आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं पोटोचित्र। ये पुरुलिया का बहुत फेमस आर्ट है। देखिए कितना सुंदर पेपर वेट है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ना
एक एक जगह का नाम दे के, मतलब वेस्ट बंगाल का ही एक एक जगह का नाम दे के स्टॉल बना है, और अंदर में छोटा छोटा करके बहुत सारा दुकान है। यहाँ पे मिल रहा है हैंडमेड धूप, और बगल में मिल रहा है बोड़ी। बोड़ी दाल से बनता है, चावल से भी बनता है, हम लोग बहुत खाते हैं इसको। ये जो स्टॉल है ना, इसके सामने में पूरा 5 मिनट तक खड़ी थी। इतना अच्छा अच्छा जो मतलब क्राफ्ट है यहाँ का, क्या बोले। मैं बता देती हूँ ये कहाँ पे है। ये है रेली नाम का स्टॉल के सामने, नंबर है 40। एक एक चीज़ ना यहाँ पे जस्ट ऑसम है, ऑसम। ये जो चीज़ देख रहे हो ना, ये बैम्बू से बना हुआ है, उसके ऊपर कलर है, बैम्बू को काट के बनाया है। यहाँ का शो पीस का स्टार्टिंग प्राइस है 300 और टेबल का स्टार्टिंग प्राइस है 3000। ये जो चीज है ना, इसको ताल पत्ता का शिपाई बोलते हैं। आप सत्यजीत राय का फिल्म में देख पाओगे ये चीज, ये बहुत फेमस है। हाँ,
মেলা প্রাঙ্গণে প্লাস্টিকের ব্যবহার কঠোরভাবে বর্জনীয়। মেলা প্রাঙ্গণ পুরোপুরিভাবে ধূমপান বর্জিত এলাকা। দর্শকদের উদ্দেশ্যে পাথর কা বানায়া হুয়া স্টল সিফ একই থা, লেকিন বহুত আচ্ছা কলেকশন থা। और ये देख के हंस हंस के मैं पागल हो चुकी थी। और यहाँ पे जूट का बनाया हुआ सब चीज़ मिल रहा है और सब एक साथ बैठ के सब बना रहे, आपके आँखों के सामने बना के आपको देगा। और इस स्टॉल का नाम है जोंगुल मोहलेर हस्तशिल्प। और मैं, मेरी सब फ्रेंड्स, मेरी मम्मी सब बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे थे। यहाँ पे ना पीठे बहुत अच्छा था, माँ काली पीठे भंडार से मैं पीठे ली थी, बहुत टेस्टी था। और कालिंगपोंग मोमो वो मिस मत करना, हाँ बहुत अच्छा है। और उसके साथ कैलकटा चाट का फिश का आइटम लाजवाब था। आप मेला घूमने आए हो और अचार नहीं खरीदा, ये कैसा मेला घूमना हुआ? तो मैं ट्रेडिशनल को बरकरार रखते हुए बहुत सारा अचार खरीदी थी, स्पेशली आम और इमली का अचार। ओह वो तो बहुत अच्छा था, एक्सेलेंट। मैं यहाँ से निकल के अभी इसका ऑपोजिट साइड में जा रही हूँ। ये मेला इतना बड़ा है कि एक साइड क्या दो साइड मिला के एक मेला कंप्लीट हो रहा है। ये मैं बोली थी ना, ये मेला बहुत ज़्यादा बड़ा है। इस साइड में ना बेसिकली आपका घर का फर्नीचर आपको मिलेगा, घर का सजाने के लिए बड़ा बड़ा जो आइटम्स है वो मैट ये सब मिलेगा। अगर आप इस पार्ट में ना आए ना, आपको लगेगा कि मेला में तो मैं आधा चीज़ देखा ही नहीं है। इतना अच्छा कलेक्शन है यहाँ का। और इस साइड में तो बड़ा आइटम्स मिलता है, देखो ये शेर को। आप सामने से जब देखोगे ना, आप दंग रह जाओगे। आपको ना यहाँ पे बहुत सारा एंटीक चीज़ भी मिल जाएगा, ये लोग सेल कर रहा है, जैसे कि एंटीक पालंग, एंटिक सोफ़ा, एंटिक चेयर, ये सब भी सेल हो रहा है यहाँ पे। सच बताओ तो घूमते घूमते मेरा पैर का हालत ख़राब हो जा रहा है, फिर भी ये मेला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं दूसरे कृषि ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर देना।